नवाज शरीफ ने ताकतवर हलकों को क्या पैगाम दे दिया? सीनियर सहाफी हामिद मीर ने तमाम खुलासा बयान कर दिया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा है कि नवाज शरीफ जब 2018 में लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल पहुंचा दिया गया था, लेकिन आज जब नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो जिन लोगों ने नवाज शरीफ को 2018 में गिरफ्तार किया था वही लोग आज उनको सैल्यूट मार रहे थे। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि नवाज शरीफ की तकरीर का असल पैगाम गालिब का शेर है, जिसे पढ़कर लगता है कि वही असल पैगाम था और इस शेर पर गौर करना चाहिए। शेर कुछ ऐसे था, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश इश्क से बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए। लिहाजा जोश इश्क का मतलब ये है कि हम इतने आंसू बहा देंगे कि हमारी आँखों से तूफान आ सकता है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि पूरी तकरीर में नवाज शरीफ ने अपने पुराने दुख और मसाइब बयान नहीं किए बल्कि बहुत अहम सवालात उठाए हैं कि आपको पता है कि कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को उसके लोगों से दूर कर देता है। फिर नवाज शरीफ ने ये भी सवाल किया कि आपको पता है ना कि धरने कौन करवा रहा था। लिहाजा नवाज शरीफ ने कन्फ्रंटेशन की सियासत का इशारा तो नहीं दिया, लेकिन गालिब का शेर पढ़कर उन्होंने खबरदार कर दिया है कि वो लोग जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को उसके लोगों से जुदा कर देते हैं, वो याद रखें कि अगर दोबारा साजिश हुई तो हम इतना रोएंगे कि जिससे तूफान भी आ सकता है। Don't worry, Food Panda संभाल लेगा।